क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13, और इसमें हमें dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले इसमें क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने x की वैल्यू साइन थीटा लेट की, तो y इज इक्वल टू हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स 5 साइन थीटा प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 13। यहाँ पे हमारा y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 5 साइन थीटा प्लस 12, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा से अंडर रूट उठ जाएगा, तो 12 कोस थीटा, 12 कोस थीटा अपॉन 13। ये 13 को मैं दोनों जगह अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा अभी कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ना यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू मेरे दिमाग में आई है और आप लोगों के दिमाग में भी आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री की है। ये 5, 12 और 13 आपको पता ना, ये ट्रिपलेट है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 13 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, ऐड करेंगे 169 इज इक्वल टू 169। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो हमारा साइड है ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, ओके, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो तो हाइपोटेनियस होती है। देखिए यहाँ पे रख के, भाई लॉन्गेस्ट साइड क्या है, वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, तो ये वाली साइड हमारी 13 हो गई। ठीक है बच्चों, ये 5 हो गया और ये आपका 12 हो गया। अब हम यहाँ पे एंगल जो है अल्फा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे क्या है, 5/13 है, 5/13 बेस अपॉन हाइपरटीनियस किस में होता है, कोस अल्फा में, सो कोस अल्फा इज इक्वल टू हमारा 5/13 हो जाएगा। सिमिलरली 12/13 है, तो ये हमारा साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13 होगा। अब आप कहोगे सर आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे बेस हम 5 को मानेंगे और परपेंडिकुलर हम 12 को, जाहिर सी बात है पूछने वाली बात है, कैसे पता चला, तो बच्चे ये मुझे ऐसे पता चला कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सोच लिया कि क्या आएगा मेरा, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर की तरफ साइन बनना चाहिए, और अंदर की तरफ अगर साइन बनना चाहिए तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ, कौन सा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी इंटू में साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि नहीं, तो जब यहाँ पे साइन है तो जाहिर सी बात है इसके साथ में कोस बनना चाहिए, और कोस इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सो बेस हमारा 5 हो जाएगा, सॉरी कोस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, आधार बटे करण, तो ये हमारा बेस 5 है, तो यानी कि 5 वाली वैल्यू जो हमारी बेस पे, क्योंकि हमें पता है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड है, वो तो हमारा करण होती है हाइपोटेनियस, तो बाकी जो दो साइड है वो आपकी बेस या परपेंडिकुलर कोई भी रह सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पे मेरा कोस आने वाला है इस तरीके से। सो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 5/13 की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे रख दूंगा कोस अल्फा, तो ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस अल्फा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे बच्चों में 12/13 रखूंगा, 12/13 वैल्यू किसकी है, साइन अल्फा की, साइन अल्फा और इंटू कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस थीटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, इसको मैं लिख दूंगा साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ये मेरा साइन से साइन चला जाएगा, ये हमारा बचेगा थीटा और प्लस अल्फा, सो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लेट किया था, सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स में यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये मेरा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा की वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हो, सो अल्फा इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दीजिए इनवर्स 5/13, क्योंकि कोस अल्फा इज इक्वल टू हमारा 5/13 है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कोस इनवर्स 5/13 हो जाएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और ये बच्चों इधर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 - x2, और भाई कोस इनवर्स 5/13
ये हमारा क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है और कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमारा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।